फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। और आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी पांच ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि हमारे घर में ही मौजूद हैं और प्योरली ऑर्गेनिक हैं, और हम उनको यूज़ करके किस तरीके से अपने घर के पौधों को, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों चाहे वो पत्तों वाले पौधे हों, किस तरीके से उनको हरा भरा और स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरीके से उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल पा सकते हैं, वही मैं आपको साथ में आज शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं अपने बालकनी गार्डन में जो जो फूल निकले हैं। तो सबसे पहले है ये डेलिया, ये तो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, तो ये अभी पूरा खिला नहीं है, ब्लूमिंग है। और उसके बाद में ये सदाबहार आ गया है, ये गेंदा आ गया है, और ये बोगनविला है। बोगनविला आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। धूप है इस टाइम बालकनी में, तो इसलिए थोड़ा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उम्मीद है आप ठीक से देख पा रहे होंगे। और ये कैलेंचू का मेरा प्लांट है। इसके बाद में ये छोटा सा प्लांटर जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था DIY, उसमें भी मैंने सदाबहार की कटिंग लगाना आपको सिखाया था, कटिंग नहीं, छोटा सा पौधा लगाना सिखाया था, तो उसमें भी फूल निकला है और एक नई बड और आ रही है। और साथ ही ये देखिए, ये मेरी मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, और ये आगे फिर से मनी प्लांट, और उसके बाद में ये आगे मेरे चांदनी के प्लांट, इसमें कई सारे फूल निकले हैं आज, वो है जा गया है। और इसके बाद में इधर तुलसी आ गई है, और पर्सलेन के भी कई सारे फूल निकले हैं। उसके बाद में ये आ गया गेंदा, और मेरी डॉटर का राजमा का प्लांट जो छोटा सा था। तो ये है मेरे सारे प्लांट आज वाले, और जो इंडोर हैं या जो शेडी एरिया में रखे जाते हैं वो दूसरे साइड में लगे हैं, तो वो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। तो बात कर लेते हैं हम अपने फर्टिलाइज़र की। तो पहला फर्टिलाइज़र तो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, एलोवेरा का जो वाटर होता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। अगर आप एलोवेरा के को छील करके और उसको आप 2 से 3 घंटे के लिए पानी में डिप करके ऐसे ही छोड़ दें, अगर उसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है, उसका स्प्रे हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं आप, और 15 दिन में एक बार ही अपने पौधों में भी दे सकते हैं उसका पानी। उसके छिलके निकाल लें एलोवेरा के, उसके बाद में आप एलोवेरा को अच्छे से उसमें पानी में छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें, और कोशिश करें कि अगर एक रात के लिए छोड़ सकते हैं तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे हमारे पौधों में मिल जाएंगे। तो फिर उस पानी को आप यूज़ करें, पत्तों पे भी स्प्रे करें, और अपने जो भी हमारे प्लांट हैं उसमें भी डाल सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, जो पानी के केले के छिलके जो होते हैं हम खा करके फेंक देते हैं, तो उन केलों के छिलकों को आप फेंकने की बजाय कम से कम 10 से 15 दिन सुखा लें, तो वो बहुत अच्छे से कड़क वाले ड्राई हो जाएंगे। तो उसके बाद में उसको मिक्सर ग्राइंडर करके आप उसका पाउडर बना सकते हैं, और पाउडर को स्टोर भी करके रख सकते हैं। स्टोर भी आप लगभग एक से डेढ़ साल तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूखी जगह पर रखें और गीले हाथ उसमें ना डालें। तो अब 15-15 दिन के गैप के बाद में अपने प्लांट्स में वो फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बेस्ट फर्टिलाइज़र है सभी तरह के फूलों वाले पौधों के लिए। तो दूसरा फर्टिलाइज़र ये हो गया है। और तीसरा मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था, चावल का पानी। चावल के पानी को हम डाइल्यूट करके किस तरीके से अपने पौधों में यूज़ करते हैं, वो मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर के, गार्डनिंग प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, और मैं उसका लिंक आपको आई बटन पर भी दे दूँगी, तो आप वहाँ पर उसको भी चेक कर सकते हैं। हम चावल तो बनाती हैं, तो पानी निकाल करके जो चावल बनाते हैं, तो उस पानी का यूज़ जो हम चावल का पानी फेंक देते हैं, उस चावल के पानी को आप और पानी में मिक्स करके अभी पहले उसको रखें कम से कम 2 से 3 दिन, ताकि वो फर्मेंट हो जाए। उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्म नहीं यूज़ करना। प्रॉपर क्या तरीका है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है, आप मेरे प्लेलिस्ट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी। तो अगला ये हो गया है। चौथा है हम दूध, कच्चा दूध।
यानी कि रॉ मिल्क। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि रॉ मिल्क किस तरीके से, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मैं आपको पहले तो बता दूं कि रॉ मिल्क जो होता है, जिसकी क्रीम निकली हुई होती है, बिल्कुल लो फैट जो दूध होता है, उस दूध को, मान लीजिए हमने आधा कटोरी दूध लिया है, तो हमें एक बकेट पानी में मैं उसको मिलाऊंगी, और क्या कहते हैं उसको, हम अपने प्लांट्स में डायरेक्ट भी दे सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फलों वाले पौधों पर उसका स्प्रे ना करें, आप केवल फूलों वाले और पत्तों वाले पौधों पर उसका स्प्रे करें। तो मतलब 1/10 का आप लीजिएगा इसका रेशियो। 1/10 मतलब अगर एक भाग आपने दूध का लिया है, तो एक उसका 10 गुना भाग जो होगा वो आप लें अपने इसका पानी का, और उसको डाइल्यूट करके फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चौथा फर्टिलाइज़र ये हो गया है, और पांचवा और सबसे अच्छा बेस्ट फर्टिलाइज़र जो कि हमारे फूलों और फलों वाले पौधों के लिए, पत्तों वाले पौधों के लिए, चाहे वो इंडोर हैं चाहे वो आउटडोर हैं, बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है, जो हम चाय की पत्ती यूज़ करने के बाद में अक्सर फेंक दिया करते हैं, तो मैं हमेशा ही कहती हूँ उस पत्ती का क्या करना है आपको, हमेशा उस पत्ती को आप क्या करें, जैसे चाय बनाने के बाद में कई बार उसमें अदरक वगैरह भी होती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अदरक वगैरह की जो पत्ती होती है, ये देखिए इसमें मेरे फूल निकला है, बहुत ही अच्छा सा छोटा सा स्पाइडर प्लांट में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जो चाय की पत्ती होती है उसको, चाहे वो अदरक वाली है चाहे वो प्लेन चाय की पत्ती है, तो उसको पहले छान लीजिए, और फिर चलते पानी में आप उसको छन्नी में ही अच्छे से वॉश कर लीजिए, और वॉश करने के बाद में इकट्ठी करते रहिए और उसको धूप में सुखा लीजिए। बल्कि मैं आपको कहूँगी धूप की जगह अगर आप छाया में सुखाएंगे तो लगभग 3 से 4 दिन ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन उसको फिर आप अच्छे से सुखा करके, जब आपको लगता है कि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, तो आप उसको अच्छे से सुखा करके और उसको स्टोर करके रख लें, और सूखे एरिया में रखें, बिल्कुल पानी बिल्कुल भी ना डाल, मतलब वहाँ नहीं होना चाहिए, तो सूखे एरिया में अगर आप रखेंगे तो उसको 15-15 दिन के गैप के बाद में आप अपने पौधों में उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, जो कि हमारे पौधों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्यारा है। तो ये थे मेरे 5 फर्टिलाइज़र जो कि मैं अपने घर से ही अपने पौधों के लिए यूज़ करती हूँ। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।